वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी मुलाकात में शरीक हैं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स देने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। हाँ जी, देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं और इस वक्त जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात इस वक्त शुरू है। और ज़राए ने बताया है कि अली अमीन गंडापुर की आमद पर जो है वो दोनों जानिब से मुस्कुराहटों का तबादला किया गया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बड़े गर्म जोशी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी खुशगवार मूड में उनका इस्तकबाल किया गया है। और इस वक्त अब मुलाकात जारी है जिसमें अभी कुछ लम्हे पहले वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं और वो भी इसमें शरीक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म हाउस में पहले से मौजूद हैं और जो चीफ सेक्रेटरी की तैनाती है खैबर पख्तूनख्वा की, उस हवाले से बातचीत की जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह की बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनाती का मुतालबा किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से दूसरे सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी फंड्स देने का मुतालबा उनकी जानिब से किया जा रहा है, जबकि अली अमीन गंडापुर ने सूबे के 1500 अरब रुपए के जो वाजबात हैं उनको भी क्लियर करने का वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है। ये मुलाकात अहम है इस हवाले से कि जो पीटीआई के ये वज़ीर आला जो है वो पहली बार जो है वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं और ये वन ऑन वन मुलाकात इस वक्त जारी है और इसमें जो सूबे की सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन।